हेलो दोस्तों, विराट स्टडी सेवन चैनल पर आप लोगों का आज बहुत दिन बाद फिर से स्वागत है। हम वीरेंद्र कुमार आज आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं कक्षा 10 गणित से लेसन नंबर 4 द्विघात समीकरण। आइए देखते हैं इसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले द्विघात समीकरण के बारे में जानते हैं। द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द्विघात समीकरण को द्विघात नाम से परिभाषित किया जा सकता है, जिसका अर्थ होता है स्क्वायर। दोस्तों, इसको द्विघात समीकरण के नाम से यानी दो घातों वाला समीकरण भी कहा जा सकता है। इसमें एक चर पद होता है। बाकी अगर आप लोगों को द्विघात समीकरण अगर लिखा हो कहीं ax² + bx + c = 0, जहां a डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कभी भी a हमारा 0 के बराबर नहीं हो सकता, तब ये हमारा पूरा समीकरण द्विघात समीकरण कहलाता है। आइए हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 1 में है, सबसे पहले है हम लोगों का, सबसे पहले है जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है। जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है। तो आइए देखते हैं कैसे हम लोग चेक करेंगे कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है। लेकिन इससे पहले हम इसमें कुछ फार्मूले जो उपयोगी हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोगों को फार्मूला याद करना पड़ेगा, a + b² = तो ये होगा a² + b² + 2ab। ठीक दोस्तों, अगर इसको आपको प्रूफ करना पड़े, यानी आपको अगर प्रूफ करके लिखना पड़े तो प्रूफ भी कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं, प्रूफ कर लेते हैं। a + b² = यहां से हो जाएगा a + b एक ब्रेकेट में और अगले ब्रेकेट में भी a + b। आइए देखते हैं, अब इसका मल्टीप्लाई यहां कर लेते हैं और इसी का मल्टीप्लाई यहां भी कर लेते हैं। तो आपका हो जाएगा a का मल्टीप्लाई a में करेंगे तो a², a का मल्टीप्लाई b में करेंगे तो a * b, फिर इसके बाद में इस b का मल्टीप्लाई a में और इसी b का मल्टीप्लाई भी b में करेंगे। तो जब b का मल्टीप्लाई a में करेंगे तो a * b, और b का मल्टीप्लाई जब b में करेंगे तो +b² हो जाएगा। ऐसे ही अब हो जाएगा हमारा a² ab जुड़ जाएगा 2ab और +b². ठीक दोस्तों, आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इस तरीके से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं a + b² = a² + b² + 2ab। आइए आगे नेक्स्ट देख लेते हैं, एक और फार्मूले को देख लेते हैं, यानी a - b² = यहां से यह हो जाएगा a² + b² - 2ab। ठीक, इसको भी प्रूफ करके देख लेते हैं। इसका प्रूफ देखिए कैसे होगा, यानी a - b² = यहां से हो जाएगा एक ब्रेकेट में a - b और अगले ब्रेकेट में भी a - b। सेम टाइप का मल्टीप्लाई इसका भी करेंगे, इसका मल्टीप्लाई यहां और इसका मल्टीप्लाई यहां, इसका मल्टीप्लाई यहां और इसका मल्टीप्लाई यहां। अब देखेंगे a का मल्टीप्लाई जब a में करेंगे तो क्या हो जाएगा, a² हो जाएगा। a की मल्टीप्लाई जब b में करेंगे तो यहां प्लस चिन्ह है, यहां माइनस चिन्ह है, तो -ab। b का मल्टीप्लाई जब a में करेंगे तो यहां पर भी माइनस चिन्ह है और यहां प्लस चिन्ह है, तो क्या हो जाएगा, -ab। अब b का मल्टीप्लाई जब b में करेंगे तो ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा v². फिर इसके बाद में अब आएगा हमारा a² -ab और -ab को ऐड कर लेंगे, जुड़ जाएंगे तो माइनस का 2ab और +b². आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही कुछ फॉर्मूले आप लोग याद कर लेंगे तो आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगी। तो आइए देखते हैं, चेक कर लेते हैं कि कैसे हम लोग द्विघात समीकरण को चेक कर पाएंगे, जांच कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है हमारा x + 1² = 2 ब्रेकेट में x - 3। तो चलिए देखते हैं द्विघात समीकरण है या नहीं है, चेक कर लेते हैं इसको। तो यहां से x + 1² इसको हम a + b² पर तोड़ देंगे तो a + b² हमको याद होना चाहिए क्या होगा, a² + b² + 2ab यही होगा।
अब अगर जब हम इसको तोड़ेंगे तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा प्लस वन का स्क्वायर होगा प्लस टू ए का मतलब x हो जाएगा, v का मतलब आपका वन हो जाएगा, और इक्वल टू इधर का, इसका भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो टू का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो टू एक्स, टू का मल्टीप्लाई थ्री में करेंगे तो माइनस थ्री टू जा सिक्स। अब यहां देखेंगे ये x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का वन हो जाएगा और यहां से प्लस का टू एक्स हो जाएगा और इक्वल टू टू एक्स माइनस का सिक्स हो जाएगा। अब देखेंगे इसका और इसका चिन्ह सेम था, कट गया। अब इसको इधर लेकर के आएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का वन और माइनस को इधर लाएंगे तो प्लस का सिक्स इक्वल टू जीरो, तो एक्स स्क्वायर प्लस का सेवन इक्वल टू जीरो, अर्थात यह द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसका हाइएस्ट घात कितना है, दो। इस समीकरण का हाइएस्ट घात कितना है, दो है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है या स्क्वायर समीकरण है। आगे देखेंगे, ऐसे ही आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन और आगे सॉल्व करेंगे, बट आगे क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं जो ना होगा, तो चलिए देख लेते हैं। x माइनस टू अगला क्वेश्चन होगा, x माइनस टू एक ब्रेकेट में x प्लस वन, एक ब्रेकेट में x प्लस वन इक्वल टू एक ब्रेकेट में x माइनस वन और एक ब्रेकेट में x प्लस थ्री। ठीक दोस्तों, अब आ चलते हैं देख लेते हैं इसको अभी हम लोग कैसे, जैसे अभी हमने आप लोगों को मल्टीप्लाई करके बताया, मल्टीप्लाई सेम करेंगे, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे और इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं, एक्स का मल्टीप्लाई जब एक्स में करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर आएगा, इसका मल्टीप्लाई जब यहाँ ए वन में करेंगे, एक्स का मल्टीप्लाई वन में करेंगे तो प्लस का वन एक्स हो जाएगा, माइनस टू का मल्टीप्लाई जब हम एक्स में करेंगे तो ये हमारा माइनस टू एक्स हो जाएगा, माइनस टू का मल्टीप्लाई जब वन में करेंगे तो ये हमारा माइनस टू हो जाएगा। आगे देखेंगे सेम टाइप ऐसे ही मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे, एक्स का मल्टीप्लाई एक्स में, एक्स का मल्टीप्लाई थ्री में, माइनस एक का मल्टीप्लाई एक्स में, माइनस एक का मल्टीप्लाई थ्री में। तो चलिए देखिए, एक्स का एक्स में करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स का मल्टीप्लाई जब थ्री में करेंगे तो प्लस का थ्री एक्स हो जाएगा, माइनस वन का मल्टीप्लाई जब एक्स में करेंगे तो माइनस का एक्स हो जाएगा, माइनस वन का मल्टीप्लाई जब प्लस थ्री में करेंगे तो ये आपका माइनस थ्री हो जाएगा। तो यहां से देखेंगे बहुत ही आसान तरीके से, ये जैसे ही एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया तुरंत, अब यहाँ पर एक्स सबसे बड़ी घात दो नहीं आने वाली है, तो जब सबसे बड़ी घात दो नहीं आने वाली है, यही हमारा क्लियर हो गया कि यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। बट हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, आगे देख लेते हैं सॉल्व करके, एक्स में से टू एक्स जाएगा तो माइनस एक्स, माइनस का टू इक्वल टू यहाँ से थ्री एक्स में से एक्स जाएगा तो कितना बचेगा, टू एक्स और माइनस का थ्री। अब इस टू एक्स को अगर इधर ले आए, टू एक्स को इधर ले आएंगे तो यह क्या हो जाएगा, माइनस एक का एक्स और यह माइनस का टू एक्स हो जाएगा, इसको भी इधर लाएंगे तो क्या होगा, माइनस टू और प्लस का थ्री हो जाएगा इक्वल टू जीरो। अब यहां देखेंगे ये माइनस एक्स और माइनस टू एक्स मिलाकर कितना हो जाएगा, माइनस थ्री एक्स हो जाएगा, थ्री में से टू जाएगा तो कितना बचेगा, प्लस वन बचेगा इक्वल टू जीरो हो जाएगा, अर्थात यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है, चूंकि इसकी उच्चतम घात दो नहीं है। ठीक दोस्तों, आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, अगर कहीं समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट करिएगा, पुनः हम आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे। तो एक क्वेश्चन हो गया आप लोगों का द्विघात समीकरण है, और एक क्वेश्चन हो गया कि द्विघात समीकरण नहीं है। आगे आप लोग सॉल्व कीजिएगा, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। अगला जो क्वेश्चन है आप लोगों का एक्सरसाइज 4.1 का दूसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो आइए देख लेते हैं, सबसे पहले यहां पर लिखते हैं माना। अब यहां पर कह रहा है कि चौड़ाई
भूखंड की चौड़ाई से भूखंड की लंबाई दुगने से एक अधिक है तो माना मान लेता है, माना हम लोग मान लेते हैं, माना भूखंड की चौड़ाई, भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर, माना भूखंड की चौड़ाई x मीटर। अब भूखंड की लंबाई, भूखंड की लंबाई बराबर दोगुने से एक अधिक है, यानी इसकी चौड़ाई जो है बेटा, कह रहा है ये कि इसकी जो चौड़ाई है उसके दोगुने से लंबाई इसकी क्या है, एक अधिक है मीटर। ठीक, अब हम लोग जानते हैं किसी आयताकार भूखंड या आयत के आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहां से लिखेंगे भूखंड का क्षेत्रफल बराबर भूखंड का क्षेत्रफल बराबर भूखंड का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। अब हम लोगों को भूखंड का क्षेत्रफल दिया गया है 528 मीटर स्क्वायर, तो यहां से हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग लंबाई लिख लेते हैं, तो लंबाई कितनी है 2x प्लस का 1 और चौड़ाई कितनी है x है, इक्वल टू भूखंड का क्षेत्रफल दिया है 528। आगे देखेंगे अभी x का इसी में मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह हो जाएगा यानी 2x का स्क्वायर प्लस का x का मल्टीप्लाई जब 1 में करेंगे तो x, और इसको इसी समय 528 को पक्षांतर कर लेते हैं तो राइट से जब ये लेफ्ट आएगा तो इस प्लस चिन्ह के साथ है और जब इधर आएगा तो इसका चिन्ह बदल जाएगा तो माइनस 528 इक्वल टू 0। यही हमारा अभीष्ट समीकरण है, यही हमारा अभीष्ट समीकरण है, यही हमारा अभीष्ट द्विघात समीकरण है। आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। हेलो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों की एक्सरसाइज 4.1 से दूसरे नंबर का दूसरा नंबर क्वेश्चन है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। पूर्णांकों को ज्ञात करने के लिए अब हमको इसको द्विघात समीकरण की अवस्था में लाकर लाना है, स्थितियों में लाना है उसको। तो दो क्रमागत संख्याएं अगर हमसे पूछा जाता है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक तो हम लोग क्या कहेंगे, x, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, ऐसे डॉट डॉट सवाल जितना भी हमसे पूछा जाए तो यहां पर लिखेंगे माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x कॉमा x प्लस 1 है। अब आइए देखते हैं प्रश्नानुसार क्या कह रहे हैं। प्रश्नानुसार कह रहे हैं दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, यानी दो क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल यानी x और ब्रैकेट में x प्लस 1 इक्वल टू कितना है, हमारे पास ये कह रहे हैं कि 306 है। तो आइए देखते हैं इसे का मल्टीप्लाई अंदर कर देते हैं तो x का मल्टीप्लाई जब हम लोग x में करेंगे तो x स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई जब 1 में करेंगे तो प्लस का x हो जाएगा और इक्वल टू यहां से 306 हो जाएगा। अब क्या करेंगे 306 को पक्षांतर कर लेंगे तो x स्क्वायर प्लस x और इसको इधर लाएंगे तो माइनस का 306 इक्वल टू 0। यही अभीष्ट द्विघात समीकरण है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द्विघात समीकरण 6x² - x - 2 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए।
तो चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ से हो जाएगा सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो, यह हमको दिया है। अब आइए देखते हैं इसको, पहले सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए आसान था, हम लोग क्या करते हैं इसी सिक्स का मल्टीप्लाई इसके अचर पद से इसके अचर पद से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर के कोफिशियंट से इस अचर पद से हम लोग अगर गुणा कर दें तो छः दूनी बारह हो जाएगा। अब छः दूनी बारह, बारह को इस तरीके से हम तोड़ें कि उसको जोड़ने या घटाने से हमको माइनस एक्स प्राप्त हो, तो हम उसको लिख सकते हैं चार तिया बारह, और थ्री या थ्री में से अगर फोर घटाएंगे तो माइनस का वन भी आ जाएगा। इस तरीके से यह हमारा हो जाएगा यानी सिक्स एक्स स्क्वायर। यहाँ से अब हम लिख सकते हैं इसको फोर एक्स प्लस का थ्री एक्स माइनस का टू इक्वल टू जीरो। समझ में आया? आगे देखिए, फिर से एक बार देख लीजिए, ये छः दूनी बारह हो गया। अब बारह को हम इस प्रकार से तोड़ेंगे कि यहाँ से हमको माइनस एक्स भी प्राप्त हो जाए। तो यहाँ से हमने क्या किया, चार किया बारह और थ्री एक्स में से फोर एक्स निकाल देंगे तो माइनस का एक्स बच जाएगा। तो इस तरीके से अब हो जाएगा हमारा। चलिए अब देख लेते हैं इसमें कैरी क्या कॉमन क्या बचेगा। सिक्स एक्स स्क्वायर में और माइनस फोर एक्स में आपका टू एक्स कॉमन हो जाएगा। तो टू एक्स कॉमन करोगे तो यहाँ से आपका बच जाएगा थ्री एक्स, यहाँ से बच जाएगा आपका माइनस टू बच जाएगा, यहाँ से आपका कुछ कॉमन नहीं है तो प्लस वन कॉमन होगा और क्या बचेगा थ्री एक्स माइनस का टू इक्वल टू जीरो। ठीक दोस्तों, आइए आगे चलते हैं। यहाँ से अब इन सब में क्या कॉमन है, थ्री एक्स माइनस टू, और बचा क्या है इधर से टू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। अब आगे देखेंगे यानी थ्री एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो, और फिर यहीं बगल में लिखेंगे 2x प्लस 1 इक्वल टू जीरो। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो 3x माइनस 2 इक्वल टू जीरो हो गया है। तो इसको अब देखेंगे तो 3x इसको पक्षांतर कर लेंगे इधर तो क्या हो जाएगा, माइनस 2 है तो प्लस 2 हो जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा 2 बाई 3। इसको देखेंगे तो यहाँ से 2x एक्स 1 को पक्षांतर करेंगे प्लस 1 को तो यह हो जाएगा माइनस 1, तो यहां से x इक्वल टू आएगा माइनस वन अपॉन टू। अतः समीकरण सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो के जीरो के मूल टू बाई थ्री और माइनस वन बाई टू होंगे। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आइए एक बार इसको पुनः देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर के कोफिशियंट का अचर पद से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी सिक्स का मल्टीप्लाई अगर टू में करते हैं तो ये आपका आना छः दूनी बारह हो गया। छः दूनी बारह हो जाता है तो अब हम छः दूनी बारह और बारह को इस तरीके से हम लोग फैक्टर करेंगे कि वो तोड़ने पर यानी जोड़ने या घटाने पर हमको माइनस का एक्स प्राप्त हो। तो यहाँ से देख लेते हैं सिक्स एक्स स्क्वायर और यहाँ से क्या करते हैं चार तिया बारह, तो थ्री एक्स में से फोर एक्स अगर हम घटाएंगे तो हमको माइनस एक्स भी प्राप्त हो जाएगा और यहाँ से हमारा माइनस टू हो जाएगा। अब इन सब इन दोनों में कॉमन क्या था, टू एक्स कॉमन था, तो टू एक्स जब हमने कॉमन कर लिया तो यहाँ पर हमारा थ्री एक्स बचा और यहाँ से हमारा टू बचा माइनस टू बचा। इसमें कुछ कॉमन नहीं था इसलिए हमने प्लस वन कॉमन कर लिया, तो यहाँ से हमारा बचा थ्री एक्स और माइनस का टू इक्वल टू जीरो। पूरे में कॉमन कर लिया हमने थ्री एक्स माइनस का टू, बचा क्या है हमारा टू एक्स प्लस का वन इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं थ्री एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो। जब थ्री एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो लिख दिया तो क्या करेंगे, जब इस माइनस टू को पक्षांतर करेंगे तो क्या आएगा थ्री एक्स इक्वल टू टू आएगा, तो एक्स इक्वल टू टू बाई थ्री हो जाएगा। फिर यहाँ से टू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, यानी जब हम यहाँ से प्लस वन को पक्षांतर करेंगे तो हमारा माइनस वन आएगा अर्थात एक्स इक्वल टू माइनस वन अपॉन टू। अतः समीकरण सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो के मूल टू बाई थ्री और माइनस वन बाई टू होंगे। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4.2 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। तो 4.2 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन एनसीईआरटी पैटर्न क्लास 10 से गणित से। तो आइए देखते हैं इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर मान लीजिए कुछ संख्या नहीं लिखी, तो मान लेते हैं वन लिखा है, तो 10 एकड़ ना 10 और 5 दुनी 10 होगा, तो 2 में से अगर हम 5 निकाल देंगे तो हमको -3 मिल जाएगा। वैसे ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर
माइनस का 5x और प्लस का 2x माइनस का 10 इक्वल टू 0। ठीक, यहां तक आप लोगों को समझ में आया। आगे चलते हैं, अब इसमें देखेंगे, इसमें आपका क्या कॉमन है, केवल केवल x कॉमन है, तो x कॉमन लेंगे तो x माइनस का 5 बचेगा। यहां से आपका क्या कॉमन है, दोनों इवन नंबर हैं, तो आपका 2 कॉमन होगा प्लस 2, तो x माइनस का 5 बचेगा इक्वल टू 0। अब देखेंगे इन सब में क्या कॉमन है, तो x माइनस 5 कॉमन है आपका, तो x माइनस 5 कॉमन कर लेंगे और यहां से बचेगा x प्लस का 2 और इक्वल टू 0। ठीक दोस्तों, अब आगे देखते हैं, इसे लिख सकते हैं हम लोग x माइनस 5 इक्वल टू 0 और इसे लिख सकते हैं x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देख लेते हैं, इसको लिख सकते हैं x इक्वल टू 5 और इसको लिख सकते हैं x इक्वल टू माइनस 2। तो अब यहां पर हम तुरंत, अब हम लोग आ गए अपने आंसर पर। अतः समीकरण, अतः समीकरण, समीकरण x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0 के मूल 5 कामा माइनस 2 या 5 और माइनस 2 होंगे। ठीक, आइए इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा अभ्यास कराते हैं ताकि आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आ जाए। तो चलिए देख लेते हैं इसको। इसका भी मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 6 दूनी 12। अब 12 को ऐसा तोड़ेंगे कि यहां प्लस एक्स आ जाए, तो 4 3 12 और 4 में से 3 घटाएंगे तो आपका x 1 भी आ जाएगा, यानी x भी आ जाएगा 4x माइनस 3x। तो यहां से हो जाएगा 2x स्क्वायर और प्लस का 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब देखेंगे यहां पर ये भी आपका इवन नंबर, ये भी आपका इवन नंबर, तो यहां से 2x कॉमन कर लेंगे, तो जब 2x कॉमन करेंगे तो यहां बचेगा x और यहां बचेगा प्लस का 2। यहां से देखेंगे दोनों में माइनस है, तो माइनस का 3 कॉमन करेंगे तो बचेगा x और प्लस का 2 इक्वल टू 0। अब देखते हैं पूरे में क्या कॉमन है, x प्लस 2 पूरे में कॉमन हो जाएगा और यहां से हो जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब देखेंगे इसको लिख पाएंगे, सेम यहां की तरीके से लिखेंगे, यानी x प्लस 2 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो आइए देखते हैं, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस का 2 हो जाएगा और यहां से हो जाएगा 2x इक्वल टू माइनस 3 को पक्षांतर करेंगे तो ये आपका 3 हो जाएगा, तो यहां से हो जाएगा x इक्वल टू 3/2। अतः समीकरण 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0 के मूल माइनस 2 और 3/2 होंगे। आशा करते हैं दोस्तों आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हम इसमें मान लेते हैं, माना हमको चूंकि दो संख्याएं पता नहीं है, तो सबसे पहले माना दो संख्याएं x और y हैं। अब देख लेते हैं प्रश्नानुसार हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार कह रहा है जिनका योग 27 हो। अब इन दो संख्याओं का योग क्या हो, 27 हो, तो x प्लस वाई इक्वल टू 27, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब फिर कह रहा है कि इनका गुणनफल, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल 182 हो, तो गुणनफल x इंटू वाई इक्वल टू 182 हो, समीकरण नंबर 2 है। फिर इसके बाद में अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले यहां पर हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। ठीक दोस्तों, ये फार्मूला हमको याद होना चाहिए,
जब हम यहाँ से x प्लस वाई और x माइनस वाई दो समीकरण बनाएंगे तभी ये सब क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो पाएगा। तो चलिए आइए देखते हैं। अब यहाँ पर x प्लस वाई की वैल्यू हमें प्राप्त है और यहाँ से हमको x और y की भी वैल्यू प्राप्त है। तो चलिए देख लेते हैं। तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या है, 27 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 182। तो 27 का होल स्क्वायर गुणा कर लेते हैं 27 का 27 में, तो 7 × 49 हासिल का आपका आएगा 4, 7 × 14 और 4 18, और 7 × 14 और 2 × 4 और 1 5, यहां से हो जाएगा आपका 9, 8 × 4 = 12, 5 × 6 और 1 7, आपका आ गया 729। 729 माइनस 182 इंटू 4, तो 4 × 2 आपका 8 हो जाएगा और 4 × 8 = 32 हो जाएगा, 32 × 3 आ जाएगा, 4 × 9 = 4 और 3 × 7 आपका आ जाएगा 728। तो यहां से आप लोगों का मिल जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 729 में से 728 जाएगा आपका 1 मिलेगा, अर्थात आपका हो जाएगा यहां से x माइनस वाई इक्वल टू 1। ये इक्वेशन नंबर हमारा कौन सा हो गया, 3। x माइनस वन इक्वल। अब आइए देखते हैं समीकरण 1 और 2 को जोड़ देने पर, समीकरण 1 और 3 को जोड़ देने पर, समीकरण 1 और 3 को जोड़ देने पर, जब समीकरण 1 और 3 को जोड़ोगे तो x और x क्या होगा, जुड़ जाएगा तो 2x हो जाएगा, और y क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये चूंकि यहाँ प्लस y है और यहाँ माइनस y है तो कट जाएगा और इक्वल टू इधर आ जाएगा आपका 28। तो यहाँ से हो जाएगा x इक्वल टू हो जाएगा आपका 28/2 इक्वल टू x इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 से भाग देंगे ये आपका 14, x इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा और x इक्वल टू 14। और फिर इसके बाद में अब हम लोग क्या करेंगे, इसी x की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अगर हम x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा प्लस आपका y हो जाएगा प्लस इक्वल टू आपका 27 हो जाएगा। तो y इक्वल टू यहां से हो जाएगा आपका 27 और इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस आपका हो जाएगा 14। तो y इक्वल टू हो जाएगा आपका 7 में से 4 जाएगा आपका 3 बचेगा और यहां से 2 में से 1 जाएगा आपका 1 बचेगा, यानी x इक्वल टू आपका आ गया, x इक्वल टू आ गया आपका 14 और y इक्वल टू आ गया आपका 13। यानी आपकी दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, 14 और 13 है। चलिए देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि यह सही है कि नहीं सही है। अगर सही है, अगर ये जोड़ने पर 27 प्राप्त हो रहा है, गुणा करने पर 182 प्राप्त हो रहा है, तो हमारा आंसर सही है। तो चलिए देख लेते हैं, यानी 14 और प्लस 13 कर देंगे तो 27, यहाँ से तो हमारा आंसर वेरीफाई हो रहा है। फिर अगर मान लीजिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है 14 × 13, तो 14 × 13 का मतलब 13 का मल्टीप्लाई अगर 14 में करेंगे तो 13 × 52 हो जाएगा और 13 × 13 = 28 हो जाएगा, 13 × 5 = 18। तो ये हमारा हो गया 14 × 13 = 182, इसलिए यह क्वेश्चन हमारा एकदम बिल्कुल करेक्ट है। आशा करते हैं आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आप लोग रिवीजन कीजिए, आप लोगों का एग्जाम बहुत नज़दीक है, और हमारे चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।